मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। सावंत के साथ ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुधीन धामलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। माना जा रहा है कि धामलीकर और सरदेसाई दोनों गोवा के डिप्टी सीएम होंगे। दरअसल दिन में मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार के बाद गोवा में राजनीतिक सरगर्मियां खासी तेज हो गई थी, जिसके बाद देर रात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी और सहयोगी पार्टियों के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे, जिसके बाद रात को 1:50 पर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैंने शपथ लिया है और पूरा एक गवर्नमेंट 3 साल की जिम्मेदारी जो पूरा करना है, स्टेबिलिटी सभी अलायंस को साथ लेके चलना है और जितने सारे काम इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये सारी जिम्मेदारी पहले मुझे लगता है। मैं मनोहर पर्रिकर जितना काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। ये मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सभी अलायंस और बीजेपी के सारे एमएलए ने साथ में मिलकर उनको दी है। वो विश्वास जो उन्होंने जताया है, शायद वही विश्वास हमें आगे लेके जाएगा और हम ये जिम्मेदारी अच्छे तरह से निभा पाएंगे। शुरुआत हुई है, अभी देखेंगे एक्सपीरियंस कैसा होगा। वो स्पीकर थे, स्पीकर का एक्सपीरियंस दूसरा होता है, स्पीकर का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस होता है, इधर तो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस होगा, नई चीज है, एवरीडे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सर अभी थोड़ा हलचल हुआ था कि एमजीपी और गोवा, हम एमजीपी में नहीं है, हमारा गोवा फॉरवर्ड का डीलिंग क्लियर रहता है और हम जो ग्रुप ऑफ 5 ग्रुप ऑफ 6 जो किया था हमारा वेरी क्लियर था। हम बीजेपी के हाई कमांड को पूछो,